मैं जा रहा हूँ दोस्तों अभी बाल कटवाने के लिए, पल्सर का NS125। हमारा बाल कट गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग की शुरुआत अभी मॉर्निंग टाइम में हो रहा है दोस्तों, और आज तुम्हारा भाई जाने वाला है भाई अपने बाल कटवाने के लिए, और अभी सुबह के बज गए हैं 7। भाई आप लोग मेरा पुराना हेयर कटिंग वाला व्लॉग वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता है कि मैं मॉर्निंग टाइम में जाता हूँ दोस्तों। इसका सीधा सीधा रीजन है दोस्तों, मॉर्निंग टाइम में जाओ ना भाई तो एकदम से खाली वगैरह होता है भाई, और बाद में जाओ तो इतना भयानक टाइप का भीड़ होता है भाई, समझ में नहीं आता, 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है। उससे अच्छा भाई सुबह जाओ फिर कटवा लो फिर आ जाओ भाई अच्छे से। और वैसे भी दोस्तों आज तो संडे है, आज तो भयानक टाइप का भीड़ होता है भाई, सभी के सभी जो काम वाम वाले होते हैं वो सभी के सभी कटवाने जाते हैं भाई। मैं मॉर्निंग टाइम में निकल रहा हूँ भाई, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं तो मैं पहुंचता हूँ भाई फटाफट दोस्तों। तो यहाँ का है भाई हमारा पल्सर का NS125, तो इसी में अपन लोग जाने वाले हैं दोस्तों। काफी तगड़ा दिख रहा है भाई, जो मॉर्निंग टाइम का फ्रेम होता है ना वो काफी बढ़िया दिखता है भाई, देखो ना। आ गए दोस्तों अपन लोग सैलून के पास, यहाँ का सैलून में एक बंदा भी आ चुका है सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में ही, देखो इतना जल्दी आ जाता है भाई संडे को दिन, तो यहाँ का आ भी गया है, उसका बाल भी कटिंग हो रहा है। आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो कल बारिश बहुत ही भयानक टाइप का हुआ दोस्तों, वहाँ का बारिश भी इकट्ठे हो गए, देख सकते हैं आप लोग भाई बहुत ही सारा पानी वगैरह इकट्ठे हो गए हैं भाई। हमारा बाल कट गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग भाई, फिर लेजर ब्लेड कटिंग यहाँ करें हल्के से, और बाकी कुछ नहीं भाई, अभी 2 बार हो गया करवाते हुए, अभी बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट टाइम को लोग भाई पूरा हेयर कटिंग चेंज करेंगे भाई, बट अभी तो खड़ा वड़ा भी ना हो रहा है भाई, बाल वगैरह देखो ना सो रहा है भाई, बाल वगैरह भी खड़ी नहीं हो रहे हैं, सुबह जाके भाई अच्छे से खड़ी करेंगे अपन लोग। अभी दोस्तों भीड़ भी बढ़ चुका है ये देखो, इसलिए भाई मैं सुबह सुबह आता हूँ भाई और फिर कटवा के चला जाता हूँ। ये मेरा कट गया, चलते हैं भाई अपन लोग, 7:30 बज चुके हैं भाई, आधे घंटे में कट गया। तो मैं कल बोल रहा था ना कि बारिश हुआ है, बट सबसे ज्यादा तो भाई बिजली वगैरह चमक रहा था भाई, कड़क रहा था, तो ये देखो भाई यहाँ का नहीं उसका नतीजा है भाई, वो देखो उसका पूरा थाव ही टूट गया भाई, एकदम से भयानक टाइप का, ये बिजली के कारण भाई, बिजली के कड़कने या फिर बिजली के गिरने से भाई, इसको गाँव वाले लोग बोलते हैं गाज गाज गिरा है, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली में बिजली पड़ा है भाई इसलिए टूटा है ये, इसी से बहुत जगह टूटा होगा दोस्तों, क्योंकि कल बहुत ही गंदा वाला भाई बिजली वगैरह कड़क रहा था। आ गया दोस्तों घर, पता नहीं यार मेरे को बाल वाल कटवाने के बाद मेरे को काफी अच्छा लगता है भाई, एकदम से बढ़िया टाइप का कट जाता है, देखो ना साइड साइड का, इधर साइड साइड बस करना करता है ना तो मेरे को अच्छा लगता है भाई, क्योंकि इधर भरा भरा रहता है ना तो मेरे को मजा होगा, अगर नहीं आता भाई ऊपर में बाल रहे, बट ये साइड साइड का खाली रहे भाई, तो कट भी गया काफी बढ़िया भाई। ऐसा मेरे को करते हुए 2 बार हो रहा है भाई, वरना मैं पहले नहीं करता था क्योंकि घर वर में गली वली देंगे करके, बट नहीं यार ऐसा कुछ सीन नहीं है मेरे घर में, ऐसा कुछ बोलते नहीं है भाई बाल वाल से रिलेटेड भाई। अभी ना के दोस्तों चकाचक रेडी हो गया भाई, और अब बढ़िया लग रहा भाई बाल वाल कटवाने के बाद, इधर साइड साइड का एकदम से क्लीन हो रहा है बढ़िया टाइप का, फिर खड़ी भी हो गया भाई देखो ना, बट थोड़ा सा दिक्कत है अभी खड़े होने में, क्योंकि भाई बहुत दिनों बाद आज खड़ी कर रहा हूँ ना, और मेरा यही नॉर्मल सा सुखड़ा बॉडी ठीक ही है भाई, इसमें क्या बुरा है, नॉर्मल सा बढ़िया जो है भाई, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा सुखड़ा, फिटनेस में चेहरा भी मेरा ठीक ही ठाक है दोस्तों, गोरा वोरा तो हूँ भाई, बट एक लड़की भी सेट ना हो रही है भाई करो तो करो क्या, और दोस्त लोग बोलते हैं भाई तू इतना गोरा है भाई, इतना हैंडसम है, तेरे पास तो बंदी होगी बट उनको कौन समझाया भाई, एक भी ना है बंदी, और जिसको भी परपोज मारो साला रिजेक्ट कर देती है, तेरा तो मोए मोए गया मोए मोए। और दोस्तों ये साइड का जो ब्लेड लेजर कटिंग दिख रहा है ना, ये काफी तगड़ा दिख रहा है भाई, यूनिक एग्रेसिव भाई, मतलब काफी अच्छा दिखता है भाई, साइड देखो ना ये तो भयानक टाइप का भाई, सही साइड बाल होता थोड़ा सा बस और घना होता है ना उसके बाद, फिर देखते दोस्तों काफी मतलब बेहतरीन होता है यार, मतलब बाल बाल घना नहीं है दिख रहा है इसमें, घना होना बट उतना नहीं है भाई, एक्चुअली बताऊँ तो बहुत ही कम है भाई, बट आदिवासी अपन लोग तेल यूज करेंगे, जो भी रील्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा चल रहा है भाई उसी को अपन लोग इस्तेमाल करेंगे, और फिर देखते क्या होता है भाई, 1-2 महीने इस्तेमाल करके देखते हैं, बहुत सारा तेल उपयोग किया हूँ भाई मैं बाल के लिए भाई, कि घना वना हो, बट ऐसा कुछ भी ना हुआ भाई, एक भी ना हुआ, और इतने ज्यादा टकला हुआ भाई, मतलब गंजा हुआ हूँ हद से ज्यादा भाई, समझ में नहीं आया, और वो भी सिर्फ बाल के लिए भाई, बाल घना होगा करके,
बट कुछ हुआ ही नहीं यार। तो लास्ट अपन लोग लास्ट हमारे पास ऑप्शन है आदिवासी थे, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो देखते क्या सीन होता है भाई, उपयोग करके उसको भी देखते हैं। दोस्तों अभी शाम के भाई 5:20 हो गया और घर में बोगस लग रहा है भाई, पूरा दिन सोया हूँ भाई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ भाई, इसलिए अभी जा रहा हूँ भाई होंडा एसपी 125 का भाई, अपन लोग सिनेमेटिक वीडियो शूट करते हैं उधर ही तालाब से जाके भाई। आ गए दोस्तों हम बहुत ही शानदार लोकेशन में, जहाँ पे अपन लोग शूट करने वाले हैं भाई अपने होंडा एसपी 125 की सिनेमेटिक वीडियो शूट करने वाले हैं, जो कि काफी तगड़ा होने वाला है दोस्तों। तो मैं शूट करूंगा, सौरभ वीडियो भी बनाएगा, उसके बाद आप लोगों को फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा इसके बाद में। और इधर का ये इलाका देखो भाई, काफी तगड़ा है तालाब पार का भाई, सबसे लास्ट छोड़ का भाई, इधर पूरा पेड़ वगैरह है और हरा भरा। अब बरसात वगैरह आ रहे हैं दोस्तों, बारिश वारिश होना है ना, काफी मतलब हरियाली वगैरह होता है दोस्तों। सबसे अच्छा लोकेशन क्या होता है पता है दोस्तों, एकदम हरा भरा जगह होता है, जो कि आने वाला है बरसात, अब आ ही गया है, लग ही गया है, तो एक दो दिन या फिर हफ्ते दो हफ्ते के बाद एकदम से हरा भरा पूरा जगह हो जाएगा। तो अपन फटाफट भाई अपना काम करते हैं। दोस्तों फाइनल मैं भाई इधर का शूट कर लिया हूँ, और ये बच्चा बहुत टाइम से मेरे को बोल रहा था कि मेरे को अभी यूट्यूब में आना है, तो लो भाई तुम भी आ गया, अब देखना अपना चेहरा भाई पवन सिंह। ऐसे मेरे गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिव है भाई, मेरे वीडियो के चलते भाई देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी मतलब बोलते हैं भाई इंटरेस्ट है उनका भी वीडियो वगैरह में आने का, तो इनको भी ला देता हूँ भाई, कहीं ना कहीं ये भी खुश मैं भी खुश भाई, मेरा भी काम बन गया और इनका भी काम बन गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा अभी पानी भरने के लिए जा रहा है कहाँ, ठीक है बढ़िया। मेरे घर पहुंचते तक दोस्तों आप लोग फाइनल रिजल्ट देखिए। दोस्तों अभी चरौर धो के सीधा छत के ऊपर मैं आ गया हूँ भाई, और अभी मौसम काफ़ी बढ़िया भाई, काफ़ी सुहाना भी है, तो देख ही सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ का निका मौसम वगैरह नॉर्मल, आज तो मौसम नॉर्मल ही है, बारिश वारिश हुआ था तो थोड़ा सा पानी वानी इकट्ठा हो गया दोस्तों। बरसात के समय ना पूरा जगह हरा भरा दिखता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, और काफ़ी सही भी है भाई वीडियो वगैरह बनाते हुए, और क्वालिटी वगैरह ना काफ़ी तगड़ा आता है भाई, सच बताऊँ तो। गाँव तरफ ना ये मिट्टी वगैरह होता है ना, पानी पड़ने से भाई पूरा चिखला में परिवर्तन हो जाता है भाई, फिर वही ना चप्पल फिर वही भाई स्लीपर वगैरह में चिपा कुपा के भाई इधर से उधर, थोड़ा सा ना यही बस खराब लगता है, बाकी तो सब ठीक है भाई, ऑल ओके है। तो अभी भाई यही कहना बैठ के रील्स वगैरह देखता हूँ। दोस्तों मेरे से गलती हो गई भाई, अभी एडिट कर रहा हूँ तो मेरे को पता चला भाई कि मेरे को वीडियो ना भाई फुल स्क्रीन में लेना था भाई, बोले तो पूरा वीडियो, ये तो शॉर्ट वीडियो बना पाया भाई, और शॉर्ट वीडियो कहीं ना कहीं मैं रील्स वगैरह में डालने के लिए लिया था, बट इसको मैं ब्लॉग वीडियो में भी डाल रहा हूँ, तो अगले बार से अपन ध्यान रखेंगे भाई, फुल वीडियो अलग से बनाएंगे और शॉर्ट वीडियो अलग से बनाएंगे भाई। बाइक का सिनेमेटिक वीडियो दोस्तों अपन लोग फुल भी लेंगे और शॉर्ट भी लेंगे भाई, क्योंकि रील्स में भी डालने का काम आ जाए और वीडियो वगैरह भी दिखाने का काम आ जाएगा भाई आप लोगों को। ब्लॉग वीडियो को दोस्तों एक दिन का तो मास्क आप लोगों में राशि पसंद आगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, फिर मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा।